देखिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है विज्ञान में जीव विज्ञान और पाठ एक जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम में पहले हम लोग जान लें कि जैव क्या है, जैव और अजैव। जैव मीन्स होता है जीव या जीवित, और अजैव मीन्स होता है निर्जीव। जीवित उसे कहते हैं जिनमें गति होती है, वृद्धि होती है, श्वसन, परिसंचरण, ये सभी क्रियाएं होती हैं। और निर्जीव उसे कहते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो हम लोग जो है जैव में तो प्रक्रम के बारे में जानना है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम जीवन के लिए जो क्रियाएं आवश्यक क्रियाएं हैं वो सभी जीवों में पाई जाती हैं। जैसे श्वसन क्रिया सभी जीवों में होती है, परिसंचरण या वृद्धि, इन सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमको पोषण से प्राप्त होती है। पोषण जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वह पोषण से प्राप्त होती है। तो इसलिए, और यह पोषण जो होता है यह पांच चरणों में पूरा होता है। पांच चरणों में पहला है अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण। चौथा चरण है इसका स्वांगीकरण। और पांचवा है उत्सर्जन। पोषण जो है आपका भाई, जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो भोजन से प्राप्त होती है। जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमारे जो सजीव हैं, सजीवों के लिए भी जो जितनी भी गतिविधियां होती, चाहे हम सोए हों या जग रहे हों, बैठे हों, सभी कार्यों में जो है ऊर्जा खर्च होती है, और वह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है या पोषण से प्राप्त होती है। तो ये पांच चरणों, जो पोषण लेने के बाद उनकी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न क्रियाएं होती हैं। तो उसमें जो है आपका पहला चरण है आपका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में भोजन को हम लोग अंदर लेते हैं, इसी क्रिया को जो है अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतु में तो जो है कि वह कोई जो है कि हाथ से हम लोग जो है भोजन को हाथ से ग्रहण करते हैं, या निम्न श्रेणी के जंतु जैसे होते, जैसे अमीबा है, एक कोश की है, उसकी सतह के संपर्क में ही अगर कोई भोजन आ जाता है तो उसमें जो है स्यूडो या कह लीजिए छद्म जो है कि संरचनाएं बन करके उस भोजन को अंदर कर लेती हैं और उसे फूड वैक्यूल में जो है बंद कर लेती हैं। तो इसे इस क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। पशु जो है अपने मुख की सहायता से ही सीधे जो है घास या अन्य चीजों को चर करके चबा कर को कर चलते हैं, काट लेते हैं तो अंदर ले जाते हैं। तो इस क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। और दूसरा है उसके बाद पाचन। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन क्रिया संपन्न होती है। पाचन क्रिया जो होती है यह रासायनिक या हम कह लें जैव रासायनिक क्रिया होती है। यह हमारे शरीर के अंदर जो है होती है, तो इससे जो है उसमें जटिल भोजन जो है सरल अवयवों में बदल जाता है। जटिल पदार्थ जो होता है वह सरल अवयवों में बदल जाता है, इसे पाचन कहते हैं। पाचन के उपरांत जो पचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेती हैं कोशिकाएं। शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं वो पचे हुए पदार्थों को अवशोषित करती हैं और जीव द्रव्य का निर्माण करती हैं, इसे अवशोषण कहते हैं। और अवशोषण के बाद जो चौथी क्रिया आपकी होती है इसी में स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में जो है पचे हुए पोषक पदार्थों का जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को पचे हुए
पोषक पदार्थों के जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को, या कह लीजिए आत्मसात होने की क्रिया को श्वांगीकरण कहते हैं। श्वांगीकरण, इससे जो है जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है, कह लीजिए नया जीव द्रव्य जो बनता है उसकी मात्रा बढ़ती है। उसके बाद जो है उस क्रिया के बाद, श्वांगीकरण क्रिया के बाद जो, या पाचन क्रिया के बाद जो शेष अपचित पदार्थ बचता है, या उसे हम अपशिष्ट कहते हैं, और उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो आपके पोषण के पाचन, पोषण के ही विधि के आधार पर, या कह लीजिए पोषण के विधियों के आधार, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जो है हम जो है जीवों को दो चरणों भागों में बांट देते हैं। पोषण विधि के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट देते हैं। एक है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी, स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं उनके शरीर के अंदर ही निर्मित हो जाता है, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी में आपके सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और दूसरे आते हैं विषमपोषी, विषमपोषी उन्हें कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरों पर आश्रित होते हैं, इन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। और यह विषमपोषी जो है दो तरह के होते हैं, एक मृतपोषी मृतपोषी और दूसरा है या मृतजीवी हम कहते हैं, और दूसरा है परजीवी, मृतजीवी और परजीवी। मृतपोषी उसे कहते हैं जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम मृतजीवी या मृतपोषी कहते हैं। दूसरा है परजीवी, परजीवी जो दूसरे जीवों पर रह करके अपने भोजन के लिए आश्रित होता है या उनसे पोषण पोषण लेता है, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। ये विषमपोषी, स्वपोषी में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। यह हम आप जो है अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण।